वह देवी के सामने एक झटके में दो भैंसों की बलि देता था। 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा पहनता, 32 मण की खड़ग से वो युद्ध लड़ता, जिसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। पहाड़ों, घने जंगलों और रेगिस्तान के रेतीले वीराने में बसे इस मेवाड़ पर कभी राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजाओं की हुकूमत का परचम लहराता था। कोई समय यहाँ गुहिल वंश की हुकूमत रही, तो किसी समय के गहलोत वंश से आज के सिसोदिया राज घराने तक। यह किला सूर्य वंशियों की हुकूमत का गवाह है। इसी कुल घराने में आज से 1400 साल पहले जन्म हुआ था मेवाड़ काल भोज परम प्रतापी बप्पा रावल का। यह कहानी उस योद्धा की है जिसके अतीत को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिसने अरब जीते, अफगान जीते, जिसने हिंद की सरहदों को इतना मजबूत कर दिया था कि उसकी मृत्यु के 400 सालों बाद तक कोई विदेशी भारत की सरहद में कदम न धर सका। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत को जीतना चाहते थे अरब आक्रमणकारी। बात आज से 1400 साल पहले की है, जब बप्पा रावल के पूर्वजों को भीलो ने मार डाला। बप्पा की मां ने भी अपने 3 साल के नन्हे काल बोझ को गुहिल वंश के गुरु को सौंप कर देह को त्याग दिया। गुरु बच्चे को लेकर त्रिकूट पर्वत पर चले गए। ये 3 साल का बच्चा अगले 10 सालों तक अलग अलग वंश के ब्राह्मणों के हाथों से होते हुए नागदा नामक एक शिव भक्त ब्राह्मण नगरी में पहुंचा। इन्हीं पर्वतों पर अगले 12 सालों तक बप्पा रावल ने हरित ऋषि की सेवा की। ये वो समय था जब हिंदुस्तान पर अरब के हमले का डर बना हुआ था। अरब के सुल्तानों ने ईरान, इराक, स्पेन सहित संपूर्ण अरब को अपने अधिकार में ले लिया था। अब उनकी नजर हिंदुस्तान पर थी। इसी दौरान इराक के सुल्तान अल हजाज ने अपने साम्राज्य और धर्म के विस्तार के लिए हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। उसने कई बार हिंदुस्तान पर आक्रमण करना चाहा, पर वो सफल न हो सका, जिसके बाद हजाज ने एक योजना के तहत अपनी सेनाओं के विशाल लश्कर को सिंध के आसपास तैनात करके सिंध पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। इन हमलों में हजाज ने सिंध के कई शहरों पर विजय प्राप्त की। इसके उत्तर में चित्तौड़ के मौर्य और नागभट्ट प्रथम की संयुक्त सेनाओं ने सिंध पर चढ़ाई कर दी। इस सेना के साथ गुरु हरित ऋषि ने अपने शिष्य बप्पा रावल को भी भेज दिया। जब ये सेना सिंध से आगे निकली, तब इस सेना का नेतृत्व 15 साल के गुहिल बोझ बप्पा रावल के हाथों में आ गया। बप्पा रावल के नेतृत्व में इस सेना ने सिंध के ब्राह्मणाबाद तक की भूमि को आजाद करवा लिया। इस किले पर हिंदू योद्धाओं ने एक सैनिक छावनी तैनात की, जिसमें 50,000 योद्धाओं को हर वक्त सीमा रक्षा के लिए खड़ा किया गया। ये वही ब्राह्मणाबाद है जिसे आज कराची के नाम से जाना जाता है। इस तरह हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना द्वारा हज्जाज को पराजित होकर सिंध को खाली करना पड़ा। साल 712, अरब खलीफा अल वालिद प्रथम ने एक बार फिर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में विशाल लश्कर सिंध को फतेह करने के लिए भेजा। सन 632 से 712 ईस्वी तक अरब में 8 खलीफा बदल गए और उन्होंने 15 बार सिंध पर चढ़ाई की, पर राजा दाहिर को न जीत सके। 15वीं बार के आक्रमण में बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध को जीत लिया गया। कासिम ने ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर को पराजित करके उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। कासिम द्वारा राजा दाहिर के मस्तक को सिंध के किले पर लटका दिया गया। ब्रह्म हत्या के कारण अरबी सीधे मालवा शासक नागभट्ट और चित्तौड़ के मौर्यों के निशाने पर आ गई। इसके उत्तर में कासिम अपनी सेनाओं सहित गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी के निकट आ दमका। उसने अपने एक लश्कर को मेवाड़ की तरफ भेजा। नागभट्ट ने मेवाड़, मालवा और पश्चिमी हिंद की सेनाओं को संगठित किया। इस समय बप्पा रावल मेवाड़ के मौर्यों की सेना के सेनापति थे। दक्षिण के महायोद्धा विक्रमादित्य सेकेंड अपनी समस्त सेनाओं के साथ हिंद की संयुक्त सेना में शामिल हो गए।
नागभट्ट ने अपनी इस विराट सेना का सेनापति बप्पा रावल को नियुक्त कर सिंध की तरफ बढ़ाया। बप्पा रावल ने सिंध के हर प्रांत में एक विराट विजयी जुलूस निकाला। इस विशाल सेना से लड़ने के बजाय हिंद के भीमकाई सेनापति बप्पा रावल को देख कासिम पुनः इराक भाग गया। बप्पा रावल प्रतिशोध की आंधी लेकर सिंध में उतरे और सिंध के अरबी साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर वहां अपनी सैनिक चौकियां स्थापित कर दी। जब बप्पा सिंध की तरफ बढ़े तभी अरबी हाकिम अल जुनेद अपनी सेनाओं के साथ मारवाड़ में उतर गया। उसने राजस्थान के कई नगरों को ध्वस्त कर यहां अपने ठिकाने तैनात करने शुरू कर दिए। बप्पा ने सिंध से अपनी सेनाओं को पुनः राजपुताने की तरफ बढ़ाया और अलोर के मैदानों में जुनेद की सेनाओं पर एक प्रकोप की तरह टूट पड़े। बप्पा के पराक्रम से भयभीत जुनेद ने कश्मीर के रास्ते राजपुताने से बाहर निकलना चाहा। वो हवा की रफ्तार से बप्पा के इलाके से दूर भाग निकला। इस हार के कुछ सालों बाद वह पुनः इराक भाग गया और कभी वापस भारत नहीं आया। परंतु जैसे ही अरब में कोई खलीफा बदलता वैसे ही वो एक बार फिर भारत में एक और बड़ी सेना के साथ चढ़ाई कर देता। 8वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने राजपुताने की सीमाओं को रक्त से लाल करना शुरू कर दिया। हर तरफ भय और मौत का नंगा नाच चल रहा था। एक रात सोते हुए बप्पा रावल को गुरु हरित ऋषि ने उठाकर एक प्राचीन खजाने का पता बताया और कहा कि इस खजाने से सेना तैयार करके चित्तौड़ पर अपने नाम की हुकूमत कायम कर लेना। और बप्पा को आशीर्वाद देते हुए गुरु अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे में बप्पा रावल ने एक बार पुनः युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ली। उन्होंने अपनी सेना का निर्माण करना शुरू किया और अरबों से हार चुके राज्यों को जीत का आश्वासन देकर अपने पक्ष में किया। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर अधिकार जमाया और मेवाड़ पर गहलोत वंश की सत्ता कायम कर दी। उन्होंने न केवल अरबों को खदेड़ा बल्कि उनके द्वारा कब्जाए गए इलाकों को पुनः अपने अधिकार में कर मेवाड़ में मिला लिया। बप्पा का ईरान अफगान विजय अभियान। बप्पा रावल ने अपने जीवन काल में हिंदू राजाओं की एक संयुक्त सेना का निर्माण किया और 16 सालों तक अरब हमलावरों के राज्यों को विजयी करते चले गए। बप्पा के पास एक अति विशाल सेना थी। बप्पा ने अपने विजय अभियानों में सबसे पहले सिंध को विजयी किया। सिंध में 12 अरब हाकिमों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। बप्पा रावल ने रावलपिंडी शहर में एक सैनिक चौकी की स्थापना की। यहां से बप्पा ने बलूचिस्तान होते हुए ईरान के खुरासान में प्रवेश किया। बप्पा रावल ने यहां के अरबी सुल्तान अल हकम बिन अलावा और तामिम बिन जेद अल उतबी की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया। 15 दिनों तक बप्पा की सेनाएं खुरासान के इलाकों में चक्कर लगाती रही। बप्पा के भय से भयभीत मुस्लिम सुल्तानों ने अपनी बेटियों का विवाह करवा के उनको यहां से विदा किया। पामीर पर्वत के निचले इलाकों से होते हुए बप्पा अपनी विशाल सेना के साथ अफगानिस्तान में प्रवेश कर गए और वहां के शासक सलीम अल हबीब को युद्ध में पराजित कर यहां अपने सरदार को तैनात कर दिया। सलीम की पुत्री अल माइया से विवाह करके उसे अपने साथ चित्तौड़ ले आए। बप्पा रावल ने गजनी शहर में एक ऊंचा बुर्ज बनवाया। यहां से उनके सैनिक अरबी लुटेरों पर नजर रखते थे। इस तरह 16 सालों में बप्पा भारत से दूर सुदूर चोटियों में अपनी हुकूमत का परचम लहरा आए। ईरान, इराक, सिंध और अफगानिस्तान के सुल्तान उनके नाम मात्र से थर्रा जाते थे। बप्पा रावल की तकरीबन 100 पत्नियां थी जिसमें से 35 मुस्लिम सुल्तानों की बेटियां थी जिन्हें इन सुल्तानों ने बप्पा के भय से उन्हें ब्याह दी थी। इस प्रकार हिंदुस्तान के महान योद्धा बप्पा रावल ने हिंदुस्तान को न केवल अरबी लुटेरों से बचाया बल्कि अरब सीमा तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। अपने राज्य के अंतिम दिनों में बप्पा रावल ने संन्यास लेकर अपनी मृत्यु तक शिव भक्ति की। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।